अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट कभी खराब ना हो, आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग नहीं हो, आपका जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम वो हमेशा ठीक रहे, आपका पेट हमेशा ठीक रहे, उसके लिए कुछ बातें बता रही हूं, उनका ध्यान रखना है और कुछ योगासन करेंगे। डेली अपना नियम बना लीजिएगा योगासन का, आपका पेट कभी खराब नहीं होगा, आपके पेट के मसल्स मजबूत होंगे, इंडाइजेशन हमेशा के लिए खत्म। सबसे पहले क्या करना है कि आपको भूख लगने पे खाना खाना है, ठीक है? भूख लगने पे खाना खाएंगे आप, ठीक है? खाना खाकर आप वज्रासन में बैठेंगे, ये रहा वज्रासन। या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि आप वज्रासन में ही बैठकर खाना खाएं। अगर आप जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं इस तरह से वज्रासन में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप खाना खाकर वज्रासन में बैठिए। खाना चबा चबा कर खाएंगे, खाना फटाफट नहीं खाना है, एकदम शांति से बैठेंगे, खाने को चबा चबा कर खाएंगे, छोटी छोटी सी बाइट लेंगे और खाने के साथ आप पानी नहीं पिएंगे और अपनी दिनचर्या इस तरह से बनाएंगे कि सही मात्रा में पानी पिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको पानी सही मात्रा में पीना है। उसके साथ साथ आपका आहार पौष्टिक हो, फाइबर भरपूर मात्रा में रखेंगे, जैसे सब्जियां दालें वो सब सही मात्रा में आप खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, ठीक है? उसके साथ साथ खराब पाचन तंत्र है आपका, ये कैसे पता चलता है? आपको कभी कभी गैस एसिडिटी हो जाएगी, कभी आपको कब्ज हो जाएगी, कभी आपको लूजमोशन हो जाएंगे, यहां से पता चलेगा कि आपका जो पाचन तंत्र है वो वीक है, खराब है। उसको ठीक करने के लिए ये कुछ चीजों का ध्यान रखना जो मैंने अभी बहुत बताई आपको, और उसके साथ साथ कुछ आसन करने हैं, वो आसन बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वज्रासन करना है आपको, ठीक है? डेली वज्रासन करेंगे खाना खाने के बाद, या फिर इसी तरह से बैठकर खाना खाएंगे। उसके बाद पहला आसन रहेगा आपका वारासन, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये जरूर कीजिएगा। देखो मेरे हिप मेरी एडी के साथ लगे रहेंगे, कोशिश कीजिएगा ऐसे ही करें आप। हर आसन को 20 सेकंड होल्ड रखेंगे आप, ठीक है? 20 सेकंड होल्ड रखेंगे, ये है बालासन, ठीक है? ये जो आसन अभी हम करने जा रहे हैं ये आपके पेट के मसल्स को मजबूत भी करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को ठीक भी करेंगे, ठीक है? उसके बाद करेंगे नावासन। नाव एकदम आराम से करेंगे, अगर आप नया नया कर रहे हैं, आपका बैलेंस नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मैंने ये देखो हाथों को ये नीचे ऐसे करके रखा, सपोर्ट दी, ये रहा, ठीक है? धीरे धीरे आप अपने हाथों ये बैलेंस बनाएंगे, ये बैक बिल्कुल सीधी रहेगी, यहाँ पे इस तरह से हाथ छोड़ देंगे, ठीक है? ये कीजिएगा हो सके तो, फिर जब आप करने लग जाएंगे तो आप ये भी कीजिएगा, ठीक है? ये है नावासन। उसके बाद करेंगे हम मरकट आसन सिंगल लेग के साथ, जो बहुत अच्छे से आपके पेट को स्ट्रेच करेगा। ये देखिए इस तरह से सीधी लेडी में, ठीक है? हाथ मेरे गिर रहे, फेस ऑपोजिट रखेंगे, मेरा फेस इधर रहेगा, मेरा ये पैर इधर, ठीक है? और अपने इस हाथ से मैंने अपने पैर को स्ट्रेच किया, ये देखिए अच्छे से, ठीक है? यहां मैंने 20 सेकंड होल्ड किया, ओके? 20 सेकंड ही दूसरी साइड पे होल्ड करेंगे ये 20 सेकंड, ठीक है? एक आसन को एक ही बार कीजिएगा स्टार्टिंग में, बाद में आप दो बार भी कर सकते हैं। 20 20 सेकंड होल्ड के साथ किया मैंने मरकट आसन सिंगल लेग। उसके बाद करेंगे मत्स्यान आसन, ठीक है? ये देखिए इस तरह से पैर मेरे बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधे है। पहले मैंने कोहनिया नीचे लगाई है इस तरह से, इसे करके साइड से लगाओ, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से ये स्ट्रेच आएगा पूरा, ये रहा। होल्ड करेंगे 20 सेकंड, इस तरह से आप होल्ड रखेंगे, ठीक है? 20 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर आराम से आप रिलैक्स होकर करवट लेकर उठेंगे, ठीक है? उसके बाद करेंगे पवन मुक्त आसन। पहले पवन मुक्त सिंगल पैर से फिर डबल से करेंगे, ठीक है? ये देखिए पैर को लिया, अच्छे से स्ट्रेच करूंगी मैं ऐसे करके, ये 20 सेकंड होल्ड करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है? फिर दूसरा 20 सेकंड होल्ड, उसके बाद दोनों के साथ 20 सेकंड होल्ड, ये ठीक है? कोई ज्यादा आसन नहीं बताए, ये इतने से आसन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, ठीक है? ये देखिए मैंने अपने हाथ बिल्कुल सीधे रखे, फोल्ड किए, मेरे शोल्डर जमीन पर ही लगे रहेंगे, ठीक है? पैर मेरे मरकट आसन हम करते ना इधर ऐसे करके ऐसे, तो इसको हम ड्रिल करेंगे, ठीक है? ये हम करेंगे कम से कम भी 50 बार, कितना मुश्किल है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 50 बार आप इस तरह से ड्रिल करेंगे। उसके बाद एक और ड्रिल करनी है आपको लेटे लेटे, ये देखिए मैंने अपने हाथों को ये पकड़ा, ये 1 थोड़ी पीछे, 2
ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इससे जो आपकी बैक पेन स्पाइन की प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक हो जाएगी और एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस लास्ट में आपको पेट के बल लेटना है, इस तरह से पेट के बल लेटे आप, मकर आसन करेंगे और कुछ नहीं करना है आपको। इस तरह से मेरे हाथ रखे, ये देखिए, ये रहा इस तरह से हाथ, ये सामने, और पैर हल्के से खोलेंगे ताकि हमारा स्पाइन पे प्रेशर आए और यहाँ पेट पे पूरा ये आगे की साइड पे खिंचाव आएगा। ठीक है, ये रहा 20 सेकंड होल्ड। ठीक है, तो ये कुछ आसन हैं जिनको करने से आपका जो पेट है, इंडाइजेशन की जो समस्या है एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। डेली करना है आपको, 10 दिन करके थक नहीं जाएंगे, डेली कीजिएगा। नमस्कार।